हैं, सोच रहे हैं, भाग रहे हैं। अल्लाह हम सब के ढेरों की समस्या करें। मैं आज के रस भी शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो हम सब पे बहुत बड़ा नहायत रहम वाला है। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ बीफ और करेले। मैंने 1 kg बीफ को उबाल लिया, तो 1 kg करेले हैं, इनको मैंने अच्छी तरह वाश कर काट के 2 घंटे नमक लगा के रखा है। अब इनकी भुनाई कर रही हूँ, इनको फ्राई करके फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्त अजीज और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे तो। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। माशाल्लाह करेले फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह हो गए हैं, बहुत मज़ेदार। अब मैं मसाले शामिल करती हूँ। ये 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। ये पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक की मिर्ची स्पून है। ये मसाले शामिल कर रही हूँ। ये 1/2 स्पून चिकन मसाला, 1/2 स्पून काली मिर्च, 1/2 स्पून कोरमा मसाला मिक्स करती हूँ। ये 1/2 स्पून हल्दी है, 1/2 स्पून सुर्ख मिर्च है, धनिया पाउडर है 1/2 स्पून, 1.5 मैंने नमक शामिल कर दिया, 1.5 टी स्पून, 1 kg करेले हैं और 1 kg गोश्त है। ये मैंने बीफ शामिल कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई करूँगी। बीफ और करेलों माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। बीफ और करेलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत अच्छी बनाई हुई है, बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हुई है करेले और बीफ की, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों व्यूअर रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बेल के बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे तो। दुआ में उन्हें याद रखना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल करना, कल की रेसिपी में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Gracias.